हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टेंस को बड़े ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें टेंस की, तो टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो टेंस टेल्स अस अबाउट व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इन पास्ट, प्रेजेंट और इन फ्यूचर। यानी कि टेंस हमें बताती है कि कोई भी एक्शन जो है, कोई भी काम कब हुई है, पास्ट में हुई है कि प्रेजेंट में हो रही है कि फ्यूचर में होगी। तो टेंस हमें बताता है कि कोई भी काम भूत, वर्तमान या भविष्य में कब घटित हुआ है। अब हम टेंस के टाइप्स देखते हैं, यानी कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस के तीन टाइप हैं। पहला है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। सेकंड है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। और थर्ड है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। अब हम इन तीनों टेंसेस को एक एक करके डेफिनेशन और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस टेल्स अस दैट सम एक्शन हैपेंड इन पास्ट। यानी कि पास्ट टेंस हमें बताती है कि अतीत में कोई काम जो है हो चुका है। तो पास्ट टेंस हमें क्या बताती है कि कोई भी घटना पास्ट में हो चुकी है। जैसे मैं कल स्कूल गया था, इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह घटना जो है हो चुकी है, यानी कि यह सेंटेंस पास्ट टेंस में। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस टेल्स अस दैट सम एक्शन हैपेंस और इज हैपनिंग नाउ। यानी कि प्रेजेंट टेंस हमें बताती है कि कोई भी घटना प्रेजेंट टाइम में हो रही है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। अगला टेंस है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। तो फ्यूचर टेंस टेल्स अस दैट सम एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर। यानी कि भविष्यकाल हमें बताती है कि कोई भी घटना जो है फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में हैपन, यानी कि होगी। तो भविष्यकाल हमें बताता है कि कोई काम भविष्य में होगी। एग्जाम्पल यदि देखें, वह कल स्कूल जाएगा, इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यह काम भविष्य में होगा, इसलिए यह सेंटेंस फ्यूचर टेंस में। यदि हम बात करें इन तीनों टेंसेस की, तो इसके कितने सब टाइप्स हैं, तो इनके सब टाइप्स हैं चार चार। यानी कि पास्ट टेंस के चार टाइप हैं, प्रेजेंट टेंस के चार टाइप हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार टाइप हैं। यानी कि इन तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट मिलाकर 12 पार्ट हुए। तो आपको 12 का नाम याद नहीं रखना, आपको बस चार नाम याद रखना है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनडेफिनिट, सेकेंड याद रखना है कंटिन्यूअस, थर्ड याद रखना है परफेक्ट और फोर्थ याद रखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन चारों की सहायता से आप इन 12 का नाम याद रख सकते हैं। कैसे? वो जानने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इनडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। उसके बाद हम 12 का नाम लिखना बड़े ही आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें इनडेफिनिट की, इनडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमें समय का पता ना चले तो वह सेंटेंस जो है इनडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे मैं खेलता हूँ, इस सेंटेंस को पढ़ने से पता नहीं चल रहा है कि कब से खेल रहा है, कब तक खेलेगा। यानी कि समय का पता ना चले तब वह सेंटेंस जो है इनडेफिनिट में होगा। अगला है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में नाम में ही छिपा हुआ है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। तो किसी काम को कंटिन्यू रखने का पता चले तब वह सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस में होगा। जैसे वह दिल्ली जा रहा है, इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि जाने का काम कंटिन्यू है, यानी कि यह कंटिन्यूअस टेंस में है। अगला है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में किसी काम के पूरा हो जाने का पता चलता है। जैसे वह दिल्ली जा चुका है, इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि वह दिल्ली पहुंच चुका है, यानी कि यह काम हो चुका है, यानी कि यह सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है। अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस में किसी काम का एक निश्चित या अनिश्चित समय से कंटिन्यू होने का पता चलता है तब वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे वह 4 बजे से दिल्ली जा रहा है, इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि कोई काम 4 बजे से कंटिन्यू है। ठीक है, तो यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें पता चलता है कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ है और वह काम अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो वह सेंटेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब हम इन तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट कौन से हैं उसे लिखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए मैंने तीनों जगह पर सेम चीज़ लिखा है। तो आपको पास्ट टेंस के चार पार्ट पूछे तो इसके आगे बस पास्ट रख देना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि बोले कि प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट लिखिए तो इन चारों नाम के पहले आपको प्रेजेंट रख देना है। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि बोले फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट लिखिए, तो आपको इन चारों के पहले क्या रख देना है, फ्यूचर टेंस रख देना है। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपको ये चार नाम याद रखना है। एक बार यदि आप उसके पहले पास्ट रख देते हैं तो पास्ट के चार पार्ट हो जाएंगे, यदि उसके पहले प्रेजेंट रख देते हैं तो प्रेजेंट के चारों पार्ट हो जाएंगे, और उन चारों के पहले यदि आप फ्यूचर रख देते हैं तो वो फ्यूचर के चारों पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप टेंस और टेंस के सब टाइप्स कौन कौन से हैं उसको आप सीख लिए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।